मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारी बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मकर संक्रांति मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एवं व्यवस्था उपलब्ध कराए। डीएम ने कहा कि 9 वर्ष के पहले दिन से ही मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु आने लगते हैं, इसके बाद से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने तथा जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन व्यवस्था करे, सुनिश्चित करे कि वाहन पार्किंग स्थल में खड़े हो, वाहन स्टैंड पर प्रकाश एवं साफ सफाई की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। डीएम ने निर्देश दिया है कि वाणिज्य विभाग मेले में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगवाए। उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निगम सफाई की पर्याप्त व्यवस्था, मोबाइल, शौचालय आदि की व्यवस्था करे तथा इसकी नियमित सफाई हो। नगर निगम मेला क्षेत्र में पर्याप्त स्थायी एवं अस्थायी प्रकाश व्यवस्था और पर्याप्त संख्या में अलाव जलवाए। डीएम ने निर्देश दिया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों को ठीक कराए, बिजली विभाग जर्जर तारों एवं पोल ठीक कराए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग मेला के दौरान कैंप लगाए, आपूर्ति विभाग केरोसिन एवं खाद्यान्न का वितरण कराए, वन विभाग जलौनी लकड़ी की व्यवस्था कराए। उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को मेले का लाइव प्रसारण करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया है कि मेले के दौरान परिवहन विभाग बसों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करे, नागरिक सुरक्षा एवं अन्य सेवी संस्थाएं भी अपना योगदान देंगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि शहर के सभी रैन बसेरों को ठीक कराएं, यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे कंबल की धुलाई कराकर ही प्रयोग में लाएं। बैठक में एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एसपी सिटी सोनम कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हमारे एसपी सिटी साहब, एसपी ट्रैफिक साहब, विभागों से आए, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विभागों से आए सभी अधिकारियों का खिचड़ी मेले के संबंध में ये बैठक की जा रही है। खिचड़ी का पर्व जिला गोरखपुर के लिए सबसे महत्वपूर्ण, बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, इसलिए हम लोगों को बड़े पैमाने पर व्यवस्था करनी पड़ती है और उन लोगों को चक्सी के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यग्रह जारी किया है, संभवतः सभी डिपार्टमेंट के पास ये कार्य उपलब्ध होगा। और कार्यक्रम के अन्य अंश को जिसे मैं यहाँ पर उल्लेखित नहीं कर रहा हूँ उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। परिषद त्योहार कभी 14 को, कभी 15 को, या कभी 14 से शुरू होकर 15 तक जाता है। प्रत्येक मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में, अभी सभी शनिवार और सभी मंगलवार इन पर विशेष भीड़ की व्यवस्था रहती है। तो जनवरी के प्रथम सप्ताह से ही यहाँ पर आवागमन गोरखपुर में बढ़ जाता है, क्योंकि 1 जनवरी का न्यू ईयर सेलिब्रेशन आसपास के जनपद और गोरखपुर के निवासी भी रामगढ़ ताल और गोरखनाथ मंदिर में ही मनाते हैं। तो 1 जनवरी से ही भीड़ एकत्र हो जाती, उसी के पूर्व हमें भीड़ के मैनेजमेंट की समस्त व्यवस्थाएं करनी है। रामगढ़ ताल के पास भी पर्याप्त पुलिस बल और यातायात पुलिस की व्यवस्था उस 1 जनवरी से की जानी है। यात्री आते हैं, यात्रियों के रात्रि विश्राम की व्यवस्था किन कॉलेजेस में, किन जगह पर की जा सकती है या किन किन मैरिज हॉलों में उनको रुकवाया जा सकता है, इसके इसको आपको देखना है कि कहां कहां इनके विश्राम की स्थिति बनाई जा सकती है। इस बिंदु को खास तौर से एसपी सिटी साहब और हमारे वरिष्ठ जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ जो एसडीएम सदर साहब है, उनको खास तौर से बिंदु पर ध्यान देना है। तनाव की व्यवस्था की जानी है, कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रात को सोने ना पाए, ये मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और इसका प्रत्येक हालत में हम लोगों को अनुपालन सुनिश्चित करना है।